बोलो कुलदेवी की जय। जाओ सब शुभ ही होगा। बेटा अभी लड्डू वड्डू कुछ नहीं मिलेगा, पहले पूजा तो कर ले। चलो भाई देर हो रही है यार। तीसरा लड्डू है अंश, इतने लड्डू खाओगे तो खुद भी लड्डू जैसे हो जाओगे। फिर तो मैं पापा की तरह क्यूट दिखूंगा। बेटा अंश, मेन गेट के भी सारे दीपक जला देना। नहीं मम्मी, वहां पर भूत है। बेटा हम राजपूत है राजपूत, और असली राजपूत भूत से नहीं डरते, समझा? बेटा अंश, तुम अगर 7 दीपक जलाओगे तो मैं तुम्हें 1 लड्डू दूंगी, फिर 7 दीपक और जलाओगे तो 1 लड्डू और मिलेगा। डील तो बड़ी अच्छी है अंश, सोच ले बेटा, हर 7 दिए पर 1 लड्डू है। फिर तो मैं सारे दिए जला दूंगा और सारे लड्डू मैं ही खा जाऊंगा। शाबाश, चल सारे दीपक जला हैं। पुत पुत मम्मी 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 भूत है, भूत है, काला भूत। अरे बेटा कहाँ देख लिया तुमने भूत? बाहर बाहर बाहर। चल मेरे साथ चल, बता कहाँ है। देख देख, कुछ भी तो नहीं है बेटा। हैं, तू भी यार राजपूतों के ऐसे डरता है? दिखा किधर है, कहाँ है बता, इधर वहाँ। अरे बेटा कुछ भी नहीं है, देखो सब पटाखे चला रहे हैं। इधर देख, इधर भी कोई नहीं है, कहाँ देख लिया भूत? चल कोई नहीं है, लगता है बेटा तुझे देखकर भाग गया होगा वो भी। Oh!
जहाँ दिवाली की रात हम दिए जलाकर अंधेरा दूर करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपराध की मंशा लिए ऐसे घरों को ढूंढते हैं जहाँ वो खुशियों की लौ को हमेशा के लिए बुझा सकें, और ऐसे खतरनाक अपराधियों के मंसूबों को विफल करने के लिए आज हम क्राइम पेट्रोल का ये एपिसोड लेकर आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित और खुशियों से भरी दिवाली मनाएं, और फिर किसी परिवार के साथ ऐसा हादसा ना हो, इसलिए एपिसोड देखना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। 3 नवंबर 2013 को उदयपुर का एक परिवार हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का त्योहार मना रहा है, लेकिन उस रात कुछ लोग वहां पर आते हैं और उन्हें मार कर उनका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। यह कोई लूटपाट करने वाला आम गिरोह नहीं था, बल्कि राजस्थान का मशहूर बावरिया गिरोह था, जिसने अब तक दिल दहला देने वाली कई लूट और हत्या की वारदातों को अंजाम दिया था। यह गिरोह राजस्थान के साथ साथ आसपास के कुछ राज्यों जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में भी सक्रिय है। बावरिया गिरोह के लोग अक्सर अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, और इनके गिरोह में इनकी महिलाएं और इनके बच्चे भी होते हैं। ये बच्चे या तो इनके अपने होते हैं या फिर उन जगहों से अगवा किए गए होते हैं जहां पर इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 2013 की तरह 2014 में भी ये गिरोह ऐसी ही एक लूट की योजना बना रहा था। पुलिस बावरिया गिरोह के बहुत करीब थी, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास अब तक कोई सुराग नहीं था, और ना ही बावरिया गिरोह के किसी सदस्य की पहचान। ये अनजान चेहरे खुलेआम शहर में घूम रहे थे। दीपावली का बोनस केवल 20,000 था। मैंने LIC और फिक्स डिपॉजिट तोड़कर और 5 लाख का इंतजाम कर लिया है। आज धनतेरस है, अगर आज ही हम साक्षी की शादी के गहने खरीद लें तो बहुत शुभ होगा। ये गहने भी कितने महंगे हो गए हैं। सोना तो जैसे बंद आंखों का सपना, पर आज समय निकाल के चल ही लेते हैं। आज का दिन भी बहुत शुभ रहेगा। पर पापा, मेरे पास पहले से ही कितने सारे गहने हैं, अब और गहने लेने की जरूरत ही क्या है। और वैसे भी आपने जो तैयारियां मेरी शादी की है ना, उसके आगे ये सोने की चमक एकदम फीकी पड़ जाएगी। माँ, आप ही समझाओ ना पापा को। हम ऐसा करेंगे, गहनों को पॉलिश करवा लेंगे, फिर देखना वो एकदम नए जैसे लगेंगे। नए जैसे और नए में फर्क होता है बेटा। तू अपनी नई जिंदगी उस नए घर में शुरू करने जा रही है, और पुराने गहने लेकर गई तो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। साक्षी की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दूंगा मैं। लेकिन पापा, वो सारे पैसे आप दोनों के लिए भी बहुत जरूरी हैं। साक्षी बेटे, तुम मेरे लिए आज भी वही छोटी सी बच्ची हो जो सिर्फ अंगूठा चूसना जानती थी। पर ये तुम्हारी नहीं, दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी की शादी है। पापा, मेरी बेटी की शादी है। यू आर इन अ सेफ प्लेस नाउ, डोंट पैनिक। Tell me, what happened with you? Sir, they suddenly start kill all our friends. I managed to escape somehow. Who killed your friends? वाली साहब जी, हमारे देश में आपका स्वागत है। आप लोग इतनी दूर से आए हो, हम लोग आपका मनोरंजन करना चाहते हैं। हमारा राजस्थानी गीत कालबेलिया घणो मशहूर है, सुनाए जी। They want to entertain you all with their traditional folk songs. Oh wow, it would be amazing. Please tell them to start. शुरू कीजिए। शुरू करो भाई।
this one. सर, योगेश, ये कल रात अपने कुछ साथियों के साथ रामगढ़ में रुकी थी। वहीं इन्हें कुछ बंजारे मिले जिन्होंने इनके ग्रुप पे हमला किया। इनके साथियों के साथ मारकाट करने लगे। बड़ी मुश्किल से ये जान बचाकर यहाँ आई हैं। इनके मुताबिक उन लोगों ने शरीर पर कुछ काले रंग के तेल जैसा लगा रखा था। माथे पर लाल रंग का टीका भी था। एक और इम्पोर्टेंट बात, उस ग्रुप में कुछ औरतें और बच्चे भी शामिल थे। सर, वैसे तो इस इलाके में ऐसी घटनाएं होती नहीं है। हाँ, शाम के बाद वो इलाका काफी सुनसान हो जाता है, और जैसा हुलिया ये बता रही है उससे तो ये लगता है कि एक बावरिया गैंग का काम हो सकता है। बाकी तो बातें रामगढ़ जाके साफ हो ही जाएंगी। सर, control yourself. Control yourself. We have searched everyone, every place carefully, but they left nothing behind. Money, still camera, etc. Did you inform your embassy? No, sir. We take your cell phones here. Sir, phone to nahi mila sir. Lagta hai us saman ke sath phone bhi le gaye. Jald se jald is phone ka IMEI number trace karo. एक टीम रेडी रखो। इस फोन की जो भी लास्ट लोकेशन होगी हम उस पर रेड करेंगे। ये गिरोह जिस भी ठिकाने पर छुपा हो वो उनका आखिरी ठिकाना होना चाहिए। हेलो, हाँ, वो फोन अभी विजयगढ़ में एक्टिव है? अभी भी एक्टिव है? सर, थाने से निकलते वक्त फोन की लोकेशन विजयगढ़ में थी। शायद वो लोग वहीं हों, क्योंकि कल से फोन की लोकेशन वहीं बता रही है। तो ठीक है, वहीं चलते हैं। वाह भैया, वाह, मजा आ गया। ए शंकर, महादेव, बैठिया। दोबारा अगर गिरोह के किसी भी आदमी के हाथ में ऐसी कोई भी चीज नजर आई ना, तो वो आदमी गिरोह में नजर ना आवेगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। ठीक इसी तरह ये तो गए। सर, टूटा वो फोन। ये लोग जरूर इस जगह से कुछ देर पहले जल्दबाजी में निकले होंगे। मोबाइल फोन स्विच ऑफ हुए भी एक घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, और ये जगह भी कुछ इस तरह की है, इस जगह से लोग किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और इस टेंट को देखकर तो ऐसे ही लगता है जैसे इन लोगों के रहने का ठिकाना कुछ इसी तरह का होता होगा, जैसे इस बात की पूरी तैयारी हो कि एक जगह रुको, काम खत्म करो और आगे बढ़ जाओ। अगर हमें इन्हें पकड़ना है तो सारे शहर में इस तरह के सारे ठिकानों को छान मारो। एक काम करो,
ये बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, अलग अलग टीम रेड्स के लिए तैयार करो। सर्च करते हैं सारे ठिकाने जहां लोग इस तरह के चलते फिरते ठिकाने बनाकर रहते हों। सर सब लोग इधर आओ। तुम क्या काम करते हो? साहब सपेरा। योगेश। सर। कुछ पता चला? नहीं सर। सुनो, यहाँ हर तरह के लोग झुंड में रहते हैं। हाँ सर, ऐसे तो पता लगाना बहुत मुश्किल है। एक काम करो, अलग अलग झुंड में सबकी फोटोग्राफ निकाल लो, हो सकता है आगे चल के काम आए। राइट सर। ये बावरिया गिरोह है काफी खतरनाक। जिस तरह से ये लोगों पर हमला करता है, कोई बचना भी चाहे तो उसे संभलने का मौका ना मिले। सर ये लोग पहले किसी जगह का मुआयना करते हैं, फिर वहाँ के दो तीन लोगों से बातचीत करके दोस्ती करते हैं, फिर उनकी हत्या करके उन्हें लूट लेते हैं। सर ये इनका पुराना तरीका है, सर धनतेरस है, और हर दिवाली ये लोग कुछ नया करते हैं। इनका जयपुर में होना इस बात का इशारा करता है कि इनका अगला टारगेट जयपुर है। अब तक तो इन्होंने सर दिवाली पर बम फोड़ने का प्लान भी बना लिया होगा। एक काम करते हैं योगेश, पब्लिकली अनाउंस करते हैं जिसे बाकी लोग होशियार हो जाएं। हमारे साथ साथ अगर सारे लोग होशियार हो गए तो ये बम तो क्या उलझड़ी भी नहीं छोड़ पाएंगे। राइट सर। दिवाली के मौके पर सभी लोग ऐसे अनजान लोगों से सावधान रहें जो आपसे पैसे मांगे, मदद मांगे या बहुत देर तक आसपास दिखें। ऐसे किसी भी अनजान आदमी पे शक होने पर तुरंत हमें फोन करके सूचित करें। ये हमारी बेटी है। अच्छा, इसकी अच्छा। शादी के लिए गहने दिखाई। अच्छा अच्छा।
पहले वाले ने आज ही लाखों गहने खरीदे हैं। घर पे भी बहुत कुछ सामान मिल सके है, दूसरों परिवार भी चौखो लागे है। घर बाहर देख के मालूम पड़ा है दीपावली मनाने के लिए यही जगह बहुत सही होगी। पैसों के साथ साथ घर में एक बच्चा भी है। एक तरफ बावरिया गिरोह ने अपना निशाना तय कर लिया था और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को तलाश थी एक दिशा की जो उन्हें बावरिया गिरोह तक पहुंचा सके। जयपुर पुलिस के लिए यह केस एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था, लेकिन आखिरकार उनके हाथ वो अहम सुराग लग ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। बाबा के नाम पे कुछ दे दे बाबा। कल तो ये चाबुक वाला बना हुआ घूम रहा था और आज ये बाबा बन के घूम रहा है। बाबा के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ए पकड़ इसको, अरे रुक, ए भाग जा यार, रुक 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 यार। चोबे साले, कल तो तू चाबुक वाला बंदर घूम रहा था और आज बाबा बन के घूम रहा है। चल थाने, ये बंदर का नाच दिखाता हूँ। बता क्या प्लान है तेरा, बोल कहाँ छुपे तेरे गिरोह के लोग। मैं किसी गिरोह का आदमी नहीं हूँ साहब, मैं तो कलाकार हूँ साहब, बस भेष बदल कर ऐसे कमाता खाता रहता हूँ साहब। कुछ कला हम भी जानते हैं, इतना मारूंगा ना कि किसी रूप में अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। आप इतना मारिए चाहे उतना मारिए साहब, मेरा जवाब बदलेगा नहीं साहब, मैं किसी को नहीं जानता साहब। He was not there that night. Okay, fine. We'll call you whenever we need your help. Okay, thanks. Yogesh, ये अघोरी हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। उस रात ये वहां नहीं था या फिर शायद सिर्फ उस रात ये वहां नहीं था। सर उस दिन राजावाड़ी ज्वेलरी मार्केट में हमारे कांस्टेबल शर्मा ने उसे देखा था, शायद वहां के सीसीटीवी फुटेज से हमारे हाथ में कुछ लग जाए। एक काम करो योगेश, पिछले दो दिन के सारे सीसीटीवी फुटेज मंगा दो, कल दिवाली है, इस बार इलाका वो चुनेंगे और धमाका हम करेंगे। तक तो तू ये समझ चुका होगा कि हम सब कुछ समझ चुके हैं, फिर भी अगर तू हमें कुछ और समझाना चाहता है तो एक बात मैं तुझे बता दूं, अब मैं तुझसे जो पूछूंगा वो मेरा आखिरी सवाल होगा, फैसला तुझे करना है कि तू तेरा पहला जवाब देगा या नहीं। और अगर तूने मेरे सवाल का गलत जवाब दिया तो ना तो तू सवाल सुनने के लायक बचेगा और ना ही जवाब देने के। कौन सा आदमी साहब, कौन सा आदमी, मेरे साथ तो एक औरत रहती है साहब अपने बच्चे के साथ, वो भी कभी कभार साहब रास्ते में मिल जाती है तो हम लोग मिलकर चार पैसा कमा लेते हैं साहब। मैं तो ये भी नहीं जानता साहब वो रहती कहाँ है, मैं किसी को नहीं जानता साहब। टेंशन मत ले, बहुत जल्द तेरे साथ यहाँ कुछ और लोग भी होंगे जो यहीं तेरे पास बैठे हुए होंगे, तब तू उन्हें पहचानेगा भी और बताएगा भी। Thank you.
क्या हुआ इसे? क्या करूं मेम साहब, इसने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया है। कुछ खाने को तो दे दीजिए मेम साहब। लो बेटा पियो पानी। वेरी गुड वेरी गुड। मेम साहब आप कितनी अच्छी हैं, इतना अच्छा कोई नहीं होता है आजकल। घर में कुछ काम हो तो आप मुझे बताइए मेम साहब, मैं सारा काम कर दूंगी। दिवाली में कुछ पैसे कमा लूंगी तो इसे भी कुछ अच्छा खिला दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम क्या काम करोगी? घर तो साफ सुथरा लग रहा है मेम साहब, पर ये जो पीतल के बर्तन है ना, उन्हें मैं अच्छे से साफ कर सकती हूँ। आज तो घर में मेहमान भी बहुत आएंगे, तो मैं आपका सारे कामकाज में हाथ बटा दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कर लेना, अब तो ठीक। लो बेटा। तुम आराम से अंदर जाके बैठोगी, बाकी सब काम मैं देख लूंगा। तुमने सुबह से ठीक से एक सांस तक नहीं, तुम तो थकोगे नहीं, मगर ये जो छोटू सा बच्चा है ना, ये जरूर थक चुका है। चलो। हे माता रानी, साक्षी हमारी इकलौती बेटी है, बहुत सपने हैं उसकी शादी को लेकर। आपकी कृपा से बहुत अच्छा लड़का मिला है हमें। अब सब कुछ आपके हाथों में है, सारे विघ्न दूर करना माता रानी। बहुत हो चुका तुम्हारा नंगा नाच, ले चलो इन्हें। कहाँ फैमिली को कहाँ रखा? आइए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने फोन करके हमें पहले सब कुछ बता दिया, पर अब हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि साक्षी जिसे भलाई में घर ले आई है वो हमारा ही बुरा चाहती है। ये सारा श्रेय तो आप सभी लोगों को जाता है। आपने इतनी सूझबूझ दिखाई, उस औरत पर इतने कम समय पे अपना शक ही नहीं जाहिर होने दिया। खैर अब आप लोग सेफ हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। हमने अपने चार सिपाही तैनात कर दिए हैं, चिंता की कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर।
आज आपकी वजह से हम सबकी जान बच गई। लेकिन अब तक आपने ये नहीं बताया कि आपको ये कैसे पता चला कि ये सब हमारे ही घर होने वाला है। एक्चुअली जिस दिन आप लोगों ने गहने खरीदे थे जी, आपको नहीं मालूम था कि आप गहनों के साथ एक बहुत बड़ा खतरा घर ले आई हैं। इन बावरियों में से ही एक आदमी हमारे लॉकअप में था, जिसने ये तो नहीं बताया कि वो उन बावरियों का आदमी था, लेकिन हमने जब छानबीन शुरू की तो हमने सीसीटीवी फुटेज देखी। उस फुटेज में हमें दिखा कि जब आप लोग रिक्शा से उतरे, आप लोगों ने पैसे दिए, तब उस आदमी ने अंदर बैठे किसी आदमी को इशारा किया, और फिर जब वो आदमी अंदर बैठा हुआ था उसने किसी तीसरे को इशारा किया। वो आदमी मोटरसाइकिल पर आप लोगों के पीछे लगा और यहां तक आया। हमें पूरा यकीन था कि कोई ना कोई आदमी आपके घर पे नजर टिकाए बैठा होगा, इसीलिए मैंने आपको फोन करके आगाह किया। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। ये इनकी जिंदगी में पहला काम ऐसा रहा होगा जिसमें वो नाकाम हुए। देखो ना, दरवाजे पे कोई है। मैंने कहा कौन हो तुम लोग? ठीक है तो मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। सर मैं यहाँ दिवाली की मिठाई देने आया था, तभी मैंने देखा विनोद भाई और गीता भाभी इस हालत में पड़े हुए हैं। जहां एक तरफ जयपुर पुलिस की कड़ी कोशिशों के बाद साक्षी के परिवार की जान बच गई, वहीं दूसरी तरफ बावरिया गिरोह की साजिश कामयाब हो गई। उन्होंने जानबूझकर एक साथ दो जगहों पर हमला बोला, क्योंकि इस गिरोह के मुखिया ओमी बावरिया को पहले से शक हो गया था कि पुलिस उनके पीछे है, और उसने अपने साथियों को जानबूझकर पकड़वाया ताकि उसका मकसद पूरा हो जाए। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग किसी के नहीं होते, इसलिए अपने ही साथियों को धोखा देकर बावरिया गिरोह के बाकी सदस्य फरार हो गए। पुलिस ने इस गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन प्रयास शुरू कर दिया। घर में एक बच्चा था साहब, दीपावली की तैयारियां चल रही थी, दोनों मियां बीबी बहुत ही खुश थे। और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं सर। एक बच्चा का आया भाई योगेश, हर सड़क चौराहा यहाँ तक कि हर गली में नाकेबंदी लगा डालो। बस बहुत हुआ ये बावरिया तांडव, अब भी अगर ये पकड़ में नहीं आए तो फिर कोई घर निशाना बनाएंगे।
पेपर दिखाओ। अरे साहब मेरा बात देखे बकड़ा खड़ा कर रहे हैं साहब। कहाँ जा रहे हो? कौन कौन है अंदर साहब? साहब हमारा परिवार है। क्या है इसमें? सब खोलो, उसको खोलो। दिवाली है साहब, नई पाल खरीदी। जाने दो। सर सर, उस दिन सारे ग्रुप में से एक ग्रुप बावरिया गैंग का भी था। ये देखिए सर, सर इनमें से 7 लोग हमने साक्षी के घर पर अरेस्ट किए थे, बाकी 5 लोग की फोटो में है सर। आओ मेरे साथ। इन 5ों की फोटोग्राफ को तो मैं हार चढ़ाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। इन फोटोग्राफ्स को चारों तरफ फैला दो, कहीं कोई कसर मत छोड़ना योगेश। इनका मिलना बेहद जरूरी है। ये ठीक उन पटाखों की तरह है जो समाज में सिर्फ गंदगी फैलाते हैं, और हमें इन्हें जड़ से साफ करना होगा। इसे देखा है? ये तो अभी निकल गया सर। बैठो गाड़ी में, चल गया। अभी सफेद रंग की मेटाडोर भागी है। आई रिपीट, सफेद रंग की मेटाडोर भागी है। उसमें बावरिया गैंग का सरगना, एक बच्चा और कुछ औरतें भी हैं। पुलिस ने इस गिरोह के मुखिया ओमी बावरिया और उसके बाकी बचे हुए साथियों को गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन ये सिर्फ एक गिरोह था। बावरिया की तरह ऐसे कई छोटे समुदाय हैं जिनका पेशा लोगों को लूटना और लूटकर जान से मार डालना होता है, और एक गिरोह के पकड़े जाने से खतरा खत्म नहीं होता, सिर्फ टलता है। हम कभी ऐसे हादसे का शिकार ना बने, इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम हमेशा सचेत रहें, क्योंकि हमारी छोटी सी लापरवाही हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। दिवाली या किसी भी त्योहार पर हम खुशियां मनाते हैं, जाहिर है कि ये पल हमें बेहद प्यारे होते हैं और हम इन पलों को ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन जरूरी ये भी है कि इस बीच हम हमेशा चौकन्ने रहें, सचेत रहें। इस दिवाली अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल, सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।